रूस यूक्रेन दोनों के लिए अब हर नया दिन बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखा चुके हैं कि क्रीमिया पर विजय के लिए यूक्रेन 7 या 8 अक्टूबर को बड़ा हमला कर सकता है। क्रीमिया पर हमले की नई सीरीज की शुरुआत मंगलवार से ही कर दी गई है। यूक्रेन ने क्रीमिया को नेपच्यून मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमला नाकाम रहा। दूसरी तरफ रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा को दोगुना कर दिया है। बस 3 दिन, क्या क्रीमिया को खो देंगे पुतिन? बस 3 दिन, पुतिन को मिलेगा जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म। क्योंकि अब यूक्रेन सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि उस पुतिन की शान को मिट्टी में मिलाने वाला हमला करने वाला है। यूक्रेन पुतिन के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला है और ज़ेलेंस्की के क्रीमिया में टहलने के सपने को सच करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ने वाला है। यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया का ट्रेलर पिछले महीने दुनिया देख चुकी है। अब अगले 3 दिन क्या होने वाला है, उसी का टीजर देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले के लिए नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्रीमिया को टारगेट करके यूक्रेन से कई नेपच्यून मिसाइलें दागी गई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल को गिरा दिया गया। हवा में नष्ट होने के बाद मिसाइल का मलबा ब्लैक सी में गिरा। हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात 8:30 पर हुआ। मिसाइल के अलावा यूक्रेन से सेवास्तोपोल पर ड्रोन हमले की कोशिश भी हुई। यूक्रेन ने कई बार अपने घातक ड्रोन से क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की, लेकिन अब रूस कोई गलती नहीं कर रहा और यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। यूक्रेनी ड्रोन का मलबा सेवास्तोपोल के कई अपार्टमेंट्स पर गिरा है। ड्रोन से निकला विस्फोटक कई जगहों पर फैल गया है। विस्फोटक को हटाना अब रशियन एजेंसी के लिए चुनौती है। क्रीमिया की पहरेदारी कर रही रूसी सेना मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम करने में जुटी थी, तो वहीं यूक्रेन के कई कमांडो दबे पांव समंदर के रास्ते क्रीमिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। टीवी 9 के सुपर प्राइम टाइम में हमने आपको दिखाया था कि अगस्त के महीने में कैसे यूक्रेन की सीक्रेट टीम ने क्रीमिया में घुसने की कोशिश की थी। इस बार भी वही तरीका अपनाया गया। इस बार भी यूक्रेन के कुछ तेज तर्रार कमांडो मिलिट्री बोट और जेट स्की पर सवार थे। हो सकता है कि वही टीम हो जो अगस्त में क्रीमिया तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एरोस्पेस फोर्स ने इस साजिश को नाकाम किया। 4 अक्टूबर को कुछ यूक्रेनी कमांडो क्रीमिया के करीब तक पहुंच गए थे। क्रीमिया के केप तारखान कुट में घुसने की कोशिश को रूस ने नाकाम कर दिया। कमांडो क्रीमिया में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आए थे। अगस्त में जिस तरह से यूक्रेन के सीक्रेट टीम को समंदर के रास्ते वापस भागना पड़ा था, इस बार भी वैसा ही हुआ। रूस ने किसी भी यूक्रेनी कमांडो को मारने का दावा नहीं किया। टीवी 9 भारतवर्ष के सुपर प्राइम टाइम शो में हमने आपको दिखाया था कि 7 अक्टूबर यानी पुतिन के जन्मदिन के दिन ही यूक्रेन क्रीमिया पर फाइनल अटैक कर सकता है और अब उसी ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम के प्लान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब अगले 3 दिन क्रीमिया के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।
यूक्रेनी रक्षा मंत्री के प्लान के मुताबिक क्रीमिया पर कब्जे की पहली कोशिश 7 अक्टूबर को होगी। इसी दिन पुतिन का जन्मदिन है। दूसरी कोशिश 8 अक्टूबर को हो सकती है क्योंकि इसी दिन कर्च ब्रिज पर हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के अलावा रूस के बॉर्डर के इलाकों में 31 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने एक बार फिर बेलगोरोद में हमले की कोशिश की। ब्रियांस्क में यूक्रेन आत्मघाती ड्रोन भेज रहा है। कुसर्क में भी ड्रोन हमला हुआ, लेकिन रूस का दावा है कि सभी ड्रोन गिरा दिए गए। यूक्रेन ने आर्टिलरी और MLRS से बॉर्डर के इलाकों पर हमला किया है। यूक्रेन की गोलाबारी में बेलगोरोद में कई घर जल गए हैं। ब्रियांस्क में रिहायशी इलाके में गोले बरसे, जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने आर्टिलरी प्रहार से कुसर्क के कई गांवों को खंडर में तब्दील कर दिया है। रूस ने क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाई है। अब क्रीमिया में OSA एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। ये शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। खास बात, इसे तेजी से मूव किया जा सकता है क्योंकि ये 6 पहिए वाले ट्रक पर लोड रहता है। ये ट्रक पानी में जाने में भी सक्षम है, यानी समुद्र में भी कुछ दूरी तक ये उतर सकता है। इसका लॉन्चर हर तरफ घूम सकता है। इसकी मिसाइल न्यूक्लियर हमले को रोकने में भी सक्षम है। टारगेट बचाने ने जाए, इसलिए ये एक टारगेट पर 2 मिसाइल से प्रहार करता है ताकि टारगेट किसी भी सूरत में ना बचे। किसी भी फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रॉनिक वेव से इसके रडार को जाम नहीं किया जा सकता है। रूस को भी यूक्रेनी रक्षा मंत्री के मिशन की भनक लग चुकी है और तैयारी इधर भी। क्रीमिया में रडार और एयर डिफेंस का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए 2 नए टेम्परेरी स्टेशन बना दिए गए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के डर से ड्रैगन टीथ की दीवार खड़ी कर दी गई है। सफेद पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, कंक्रीट और सरिया के इस्तेमाल से बनने वाले इस स्ट्रक्चर को ड्रैगन टीथ कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर टू के समय से ही इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। ड्रैगन टीथ एक ऐसी लक्ष्मण रेखा तैयार करता है जिससे दुनिया का कोई भी टैंक क्रॉस नहीं कर सकता। जर्मनी से लैपर टैंक देने की मंजूरी मिलने के पहले से ही रूस ने ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बेलारूस की कुछ कंपनियां लगातार रशियन फोर्स को ड्रैगन टीथ की सप्लाई कर रही हैं। अब क्रीमिया में ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं ताकि क्रीमिया में यूक्रेनी फौज किसी भी रास्ते से दाखिल ना हो सके।